बहन और भाइयों, थन मेरी राम राम। आ थन भैया दोज की बात बताऊं और कहानी सुनाऊं। तो भाई भैया दोज का दिन, ये दो बहन भाई सा, एक को नाम सो इमराज भाई को तो, और बहन को नाम सो यमुना। तो दोनों बहन भाई खूब राजी से रहो करता माँ बाप छाकुन्या। तो भाई एक दिन यमुना की भाई इमराज की टकरार होगी यमुना रूस का और चली गई। तो भाई वह नदी बन गई यमुना और भैबा लाग गई। तो अब भैया दो जाई जिंदन अपने इमराज आपकी भाण की खोज में देखी, उन्हें नदी में जार नाभा लाग गई यमुना में नायो और स्नान करके बार बैठवा लाग्यो। जब यमुना भाण दिखाई, भाण देख भाई ने और भाई के गले लागी, लाग कर भाई ने देख खुश हुई। फिर भाई का टिक्को काट्यो, टिक्को काट कर उनके रक्षा सूत्र बांधे, उन्हें भोजन करायो। जी माँ के बोलियो अग कुछ होकर भगवान बोले इमराज अग बोल भाण आ तू कुछ मांगे ना जो मांग ले जाकर से। बोल भाई मैंने एक ऐसे वर दे अक आज का दिन कोई भाई अपनी भाण का घर भोजन करे जो एम लोग नहीं जाए। तो बोले भाण या वरदान तो तेरो सही को न्या ना। बोले भाई दे तो या वरदान दे, नहीं मैं तो और वरदान ना लियो। तो बोले जा आज का दिन कोई भी भाण अपना भाई की खातर व्रत करेगी, भैया दोज मनाओगी और कहानी सुनेगी और बोलो जिनको भाई कदे भी एम रोज लोग नहीं जाएगो और उनकी रक्षा भाण करेगी। तो भाई भाणो यह परंपरा भैया दोज की जब चालीस है यमराज और यमुना दोनों भाण भाई साहब जैसे यह परंपरा मना से यमराज भी आकर कुछ कौन कह सके उनकी खातर। और भाई भाणो समय सभी भैया दोज की कहानी सुनो, व्रत करो और जो को भाई पे देश उदेश गयोड़ो रहे कोन्या तो को नारियल बांध दो, नारियल का नाम से उनको धर दो, पूजा कर लो, व्रत कर लो और उनकी नाल बांध कर धर दो और भाई आओ ना जब भी देते हो। तो भाणो सभी आप आपका भाई खातर व्रत करो और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगो। तो लाल बटन दबा दियो भाई, मेरा चैनल आगे चलाओ।